जॉइन फ्रेंड्स नमस्कार डिफेंस अपडेट भारत पाप का फ्रेंड्स यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के तरफ से कभी भी भारत को एफ थर्टी फाइव फिफ्थ जेनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की पेशकश नहीं की है जी हाँ और भारत कभी भी एफ थर्टी फाइव के लिए आगे नहीं आया है सो फ्रेंड्स सूत्रों के अनुसार हमारे भारतीय मीडिया ने पिछले दिनों ये खबर दिया है कि न्यू दिल्ली ने कई मौके पर अमेरिकन डिफेंस गैंड मार्टिन से एफ थर्टी फाइव फाइटर फिफ्थ जेनरेशन के लड़ाकू विमान एफ जी एफ ए हासिल करने में इच्छा प्रकाश की है भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी का यह कहना है कि अमेरिका द्वारा भारत को कभी भी प्रौद्योगिक पेशकश नहीं की गई है भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी ने गुरुवार को भारत को अमेरिकी फिफ्थ जेनरेशन एयरक्राफ्ट एफ थर्टी फाइव फाइटर जेट के संभावित अधिग्रहण के बारे में एक लंबी चैप्टर बताई उन्होंने फॉर्जिन पॉलिसी सम्मेलन में कहा था कि वाशिंगटन ने कभी भी न्यू दिल्ली को मल्टीरोल फाइटर एयरक्राफ्ट विमान की पेशकश नहीं की थी और मुझे यकीन नहीं है कि यूएसए यूनाइटेड ऑफ अमेरिका यह टेक्नोलॉजी को भारत के साथ साझा करेगा उनके तरफ से हमारे भारतीय के लिए जो टेक्नोलॉजी की गई थी वो एक सीरीज का लोअर वर्जन मतलब निचला संस्करण है ये फॉरेन पॉलिसी सम्मेलन में दुनिया के कई सारे डिफेंस चीफ मौजूद थे लेकिन फ्रेंड्स लोखेड मार्टिन के अनुसार अमेरिकी कंपनी के अनुसार एफ थर्टी फाइव ऑफ विरासत फोर्थ प्लॉट जेनेशन के लड़ाकू विमान से सस्ता हो गया है और दुनिया भर के राष्ट्र अब अधिक एफ थर्टी फाइव फिफ्थ जेनरेशन कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट को खरीद रहे हैं जो कि सिस्टम्स के फैक्ट और लागत के आधार पर खरीद रहे हैं सो फ्रेंड्स हर रोज तरह डिफेंस भारत को सब्सक्राइब कीजिए हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए और प्रेस कीजिए लेकिन फ्रेंड्स हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ये कहना है कि बिपिन रावत जी का ये कहना है कि अभी भी इंडियन एयरफोर्स अपने फाइटर जेट विकल्प को खोज रही थी जिसके लिए 2018 में एस 35 के लिए ज्वाइंटली इंडोरेशन कोलाबोरे के तहत इसे डेवलप करने के लिए आगे और बढ़ रहे थे लेकिन फ्रेंड्स कुछ कारण के लिए दोनों गवर्नमेंट के तरफ से ये प्रोजेक्ट को फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को बीच में छोड़ दिया गया और जिस टाइम लोखेंड मार्टिन ने हमें शायद एफ थर्टी फाइटर जेट की पेशकश करने को तैयार था लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर लॉकेट मार्टिन के तरफ से उस टाइम एक शर्त रखा गया था कि यदि हमारे भारत रशिया से डिफेंस सिस्टम्स को नहीं खरीदेगा तो फिर अमेरिका के तरफ से हमें फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोवाइड किया जाएगा जो शर्त को हमारे भारत के तरफ से ये बात को खारिज कर दिया गया था और नजरअंदाज कर दिया गया था और अब रशिया और इंडिया ये दोनों देश ही एस फोर सौदे के साथ आगे और बढ़ रहे हैं फिर 2020 में यूएसए के तरफ से तेजस एयरक्राफ्ट के लिए टेक्नोलॉजी देने की बात कहा गया था जो कि लखंड मार्टिन के तरफ से ये ऑफर दिया गया था साथ साथ हमारे फिफ्थ जेनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए भी एडवांस एड टेक्नोलॉजी को साझा करने की ऑफर भी की थी और एफ ट्वेंटी सबसे खतरनाक फाइटर जेट भारत को पेशकश किया गया था और ये आंका और एफ ट्वेंटी वन खबर को लेकर कंपनी ये दावा करता है कि अभी एफ ट्वेंटी वन किसी अन्य देशों को नहीं बचा जाना चाहिए और न्यू दिल्ली को प्रस्ताव के साथ आगे और बढ़ना चाहिए अंत में यदि हम ये एप ट्वेंटी वन और ये अमका प्रोजेक्ट का बात करें तो शायद एप ट्वेंटी वन फाइटर प्लेन के ऊपर हमारे गवर्नमेंट के तरफ़ से बात किया जा सकता है फ्यूचर को देखते हुए ऐसा किया जा सकता है नहीं भी किया जा सकता है लेकिन शायद किया जा सकता है अगर यहाँ पर एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट के लिए टेक्नोलॉजी का बात किया जाए तो हमारे भारत की तरफ से ज़्यादातर तो यह फोकस दिया जा रहा है कि हमें यह इंडिजनस डेवलप करना चाहिए हमारे स्वदेशी टेक्नोलॉजी यहाँ पर इंटीग्रेशन होना चाहिए क्योंकि कंट्रोल हमारे पास रहना चाहिए ताकि फ्यूचर में हमारे एयरफोर्स को ये एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस और ऑपरेशन के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो सो so फ्रेंड्स ये था अपडेट आशा करता हैं ये अपडेट आपको ज़रूर अच्छा लगा का एक बड़ा कमेंट कीजिए एक बड़ा थमसअपअप दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जय हिंद जय भारत